हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिव कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेद सॉल्विंग अड्डा में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड घंटी बजाएं। आज का टॉपिक संस्कृत सब्जेक्ट से रिलेटेड है जिसका नाम है व्यंजन संधि तोड़कर बना के दिखा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं, क्या डिफरेंस आता है स्वर संधि और व्यंजन संधि। ठीक है, अगर देव प्लस इंद्र लिखा है और वह ऐसा है, और व्यंजन संधि देव इसमें वह आधा है, हलंत वाला जो वह होता है या हलंत वाला कोई भी व्यंजन होता है वो आधा होता है। ठीक है, बट उसे एज अ व्यंजन लेंगे अगर उसमें हलंत लगा है तो, और लेकिन अगर खाली उसमें हलंत नहीं लगा है तो उसे आप स्वर का कॉम्बिनेशन मानेंगे। कि अगर आगे स्वर है तो ये मान के चलेंगे कि वो स्वर से कॉम्बिनेशन हो रहा है, व्यंजन से कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसमें हम ये मानेंगे कि स्वर से कॉम्बिनेशन हो रहा है। ठीक है, इसमें वा के नीचे हलंत लगा है, ये कोई भी व्यंजन इसके नीचे इसके इधर होता और उसके नीचे हलंत लगा होता तो हम ये मान के चलते व्यंजन से कॉम्बिनेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल बन जाता है स्वर संधि का, और ये जो एग्जाम्पल बन जाता है हलंत वाला वो व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो बच्चे अक्सर इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि भाई ये क्या है, तो इसीलिए क्योंकि ये जो वाह है इसमें आ छुपा हुआ है। ठीक है, और इसमें ये जो वाह है ये बिना आ के वाह है। ठीक है, तो ये प्रॉपर व्यंजन है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। स्वर संधि, स्वर संधि में क्या होता है, स्वर वर्ण का स्वर वर्ण से जुड़ता है। ठीक है, तो ये स्वर, ठीक है, इसको स्वर मानेंगे, ये भी स्वर। ठीक है, तो फिर विकार उत्पन्न होता है। ठीक है, विकार जरूरी है, ये ध्यान रखना है, आगे आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि में एक व्यंजन वर्ण चाहिए, दूसरा व्यंजन वर्ण या स्वर वर्ण, इनमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जो भी इसमें विकार उत्पन्न होगा, ठीक है, विकार जरूरी है, विकार जो भी उत्पन्न होगा तो उस हिसाब से व्यंजन संधि हो जाएगी, लेकिन एक उसमें व्यंजन वर्ण होना ही चाहिए। ठीक है, जैसे ये एग्जाम्पल है उत् प्लस मुख, इसका बनता है उन्मुख, ये कैसे बनता है मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो अब ऐसे मैंने एग्जाम्पल लिए, सच्चिदानंद, सज्जन, उल्लेख, तट्टिका, उन्नति, उड्डयनम। ठीक है, यहाँ मैंने एक लाइन लिख दिया, पहले भी बताई थी, कोई भी व्यंजन बिना स्वर के पूरा नहीं होता, सही व्यंजन है इसमें स्वर है ही। ठीक है, तो अब इसमें ट्रिक क्या काम करेगी, दो चा, दो जा, दो ल, दो टा, दो ना और दो ड, कहीं भी आपको दिख जाए। ठीक है, तो ये है, कहीं भी दो एक जैसे व्यंजन साथ में मिल जाए जिनमें से पहला आधा हो। ठीक है, ये पहला सब आधा है। ठीक है, ये टा इसके नीचे हलंत लगा है तो इसको आधा टा मानेंगे। ठीक है, ये डा है इसको आधा हलंत लगा है इसके नीचे तो इसको आधा डा मानेंगे। किसी को भी आधा लिखना है तो आप उसके नीचे हलंत लगा दो किसी व्यंजन के नीचे तो वो आधा माना जाएगा। कहीं भी दो एक जैसे व्यंजन एक साथ में मिल जाए जिनमें से पहला आधा हो और दूसरा पूरा हो तो पहले आधे वर्ण को आधे ता में बदलना है, त, ठीक है, आधा ता ऐसा होता है, नेक्स्ट वर्ण ता के नीचे हलंत। ठीक है, नेक्स्ट वर्ण वैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, यही होने चाहिए ये वर्ड। ठीक है, च, ज, ल, ट, न और ड, ठीक है, इन्हीं के आधे आधे साथ में। ठीक है, तो पहला जो होगा वो ता में कन्वर्ट हो जाएगा, सच्चरित है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सत धन चरित। ठीक है, ता के नीचे हलंत है इसमें। ठीक है, आधा चा है तो आधे ता में ही कन्वर्ट होगा, ये भी ध्यान रखना, आधा है तो आधे में ही कन्वर्ट होगा। सज्जन है सत प्लस जन, उल्लेख है उत प्लस लेख। ठीक है, यहाँ पे आधा चा दिख रहा है आपको, आधा ज दिख रहा है, आधा ला दिख रहा है, आधा टा दिख रहा है, आधा ना दिख रहा है और ये डा। ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स देते हैं, तट्टिका तत् प्लस टीका, उन्नति उत् प्लस नति, उड्डयनम उत् प्लस डयनम। ठीक है, फिर नेक्स्ट ट्रिक का जो है परिष्कृति संस्कृति, कहीं पे भी आधा शा या आधा सा दिख जाए तो इनको मिटा दो, ये ज्यादातर का के साथ ही, तो ये शक हो गया। ठीक है, तो कहीं भी आपको शक दिख जाए तो शक मिटाना है। ठीक है, शक मिटाना है तो शक में का नहीं मिटाना, खाली आधा सा और आधा शा षटकोण वाला वही मिटाना है। ठीक है, ये लिखे इसलिए दिया क्योंकि आधा से लिख दूंगा आपको समझ में नहीं आएगा लिखा क्या है। ठीक है,
ठीक है, जैसे आदाशाह लिखा है या आदाशाह लिखा है, कई लोग कंफ्यूज रहेंगे यार क्या लिखा है, ठीक है ये उठा के इधर से लिख दिया है ये ऐसे, तो आधा शक आधा सा, ठीक है आधा शाह और आधा सा, ये का इसलिए ऐड कर दिया ताकि आपको समझ में आधा शाह है और आधा सा है, ठीक है। तो आधे शाह और आधे सा को हटा दो, बाकी वैसे को वैसे ही लिख दो, ठीक है। जैसे परिष्कृति है, परि प्लस कृति कर देंगे, संस्कृति है सम प्लस कृति कर देंगे, ठीक है। ये सोचोगे माँ कहाँ से आ गया, तो ये नेक्स्ट रूल आपको समझ में आएगा। बिंदी को सीधा माँ में बनाना है, ठीक है, संक्षिप्त है तो इसको तोड़ेंगे सम प्लस क्षिप्त में, संचार है तो सम प्लस चार है, ठीक है। तो इसमें संस्कृति में क्या हो रहा है, दो रूल यूज हो रहे हैं, ठीक है, संस्कृति का और आधा सा भी है। तो बिंदी है, बिंदी को सीधा माँ में बनाना है ये, ठीक है, तो ये बिंदी माँ आ गई तो ये सा गायब हो गया था सर, ठीक है। तो शाह को सा में कन्वर्ट बदलना है, ठीक है, पूरा शाह है तो उसको सा में कन्वर्ट कर दो, विषम है तो वी प्लस सम हो गया, निषेध है नी प्लस सेध हो गया, ठीक है। आधा चा के साथ छा एक साथ दिख जाए तो आधा चा को हटा देना है, ठीक है, आधा चा जो है इसको हटा देंगे, इससे मात्र छाया, मात्र प्लस छाया हो जाएगा, ठीक है, प्रतिच्छेद, प्रति प्लस छेद हो जाएगा, जैसे अनुच्छेद, अनु प्लस छेद हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल जो है वो तीन का एक नियम एंड वाइसी वर्सा, ठीक है, तीन का एक है तो एक का तीन नियम, ठीक है, उसी का वाइसी वर्सा, पांच का एक नियम, ठीक है, इसका वाइसी वर्सा होता है बट इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, जैसे अगर आपको एक आ गया, ठीक है, तो इसी का वाइसी वर्सा ध्यान रखें, इसी में आप कन्वर्ट कर लेंगे तो वही ज़्यादा सही रहेगा, उसी वर्ग का पहले, ये इसलिए बता दे रहा हूँ वाइसी वर्सा क्योंकि कई बार ऑप्शन जैसे आप एमसीक्यू लगा रहे हैं तो आपको उसमें वो चीज़ मिल सकती है कि जैसे पहला वर्ग था उसने तीन में कन्वर्ट किया और नेक्स्ट उसने एक के पांचवे में कन्वर्ट कर दिया, तो उससे आपको आपको वो गलत नहीं मानना है, तो जैसे अगर आपको ये वाला ऑप्शन नहीं मिल रहा है एक का तीन वाला, ठीक है, तो आप उसमें से एक का पाँच वाला लगा लेंगे, ठीक है, उसी वर्ग का पहला, उसी वर्ग का पहला होना चाहिए, पहला है ना, जैसे ये है क्या का ग और ड, जैसे फर्स्ट थर्ड फिफ्थ, ठीक है, जैसे का है का वर्ग, का खा गा खा डा, तो ये का खा ग, तो ग तीसरा हो गया, घ और ड, तो ड पांचवा हो गया, ऐसे ही सबके लिख दिए, तो ये पांचों वर्ग हैं, कचट तप, ठीक है, तो चा का फिर थर्ड जा हो गया और इया पांचवा हो गया, टा का थर्ड डा हो गया और डा पांचवा हो गया, ता का दा थर्ड हो गया और ना पांचवा हो गया, पा का बा जो हो गया वो थर्ड हो गया और पांचवा माँ हो गया, ठीक है। तो अब इसको तोड़ेंगे जगदीश, ठीक है, तो इसमें दा से तोड़ेंगे, ठीक है, ये दा जो है ये रहा, तो ये थर्ड है, तीन का एक नियम लगेगा, तीन का एक तो ये ता में कन्वर्ट होगा, जगत प्लस ईश, उन्मुख, उन्मुख है तो ये ना है तो ना का ता में कन्वर्जन होगा, पांच का एक नियम लग रहा है, ठीक है, उत प्लस मुख हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में आपको ये दे सकता है उद प्लस मुख, उन्मुख, ठीक है, उन्मुख, अभी देखने में तो भाई ये सही लग रहा है, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि कोई ना कोई विकार जरूर उत्पन्न होना चाहिए, चाहे आप जोड़ रहे हो या फिर तोड़ रहे हो, ठीक है। अब ये अगर ऐसे ऐसे लिख देते हो तो ये इसमें विकार कहाँ दिख रहा है, विकार तो कोई दिख ही नहीं रहा, क्योंकि संधि और उसकी जो डेफिनेशन होती है टूटने या बनने पर विकार उत्पन्न हो, ठीक है, तो विकार को दिखना चाहिए, कुछ चेंज आना चाहिए, तो इसको अगर आप ऐसे लिख देते हैं तो ये तो चेंज तो नहीं आया, ठीक है, क्योंकि आप टेबल में इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, इसीलिए आपको ये बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसमें कोई विकार नहीं आया है इसीलिए आप इसको ये नहीं मानेंगे। अब जैसे ये उत्थान है तो ये ता जो है ये पहला है तो वाइसी वर्षा था एक का तीन नियम, तो ये ता दा में जाएगा, ठीक है, उद प्लस थान, तत्पुरुष है, ऐसे ये ता है तो तद प्लस पुरुष, ठीक है, टूटने या बनने पर विकार उत्पन्न में बदलाव हो, ठीक है, तो ये चीज़ होनी चाहिए तभी वो आपका होगा। थैंक यू।